जब इमाम सलाम ने ये इरादा किया और शहर छोड़ा उस वक्त मक्का की पुलिस पुलिस का तैयार दस्ता आमादा दस्ता जो पहले से सदाही ही को महसूर करने के लिए बनाया गया था उसकी कयादत याहिया इब्ने सईद हाके में मक् के भाई के पास थी हाके में मक्का अमर रबन सईद उसने बाकायदा दस्ता तैयार किया और जब उसे ख़बर मिली कि इमाम जा रहे हैं मक्का छोड़ कर फ़ौर दस्ता रवाना किया कि रोका जाए मक्का से बाहर न जाने दिया जाए क्या शिया हुसैन को ऐसे मनाजिर का सामना नहीं करना पड़ेगा जब ये मुशाइत हुसैन में निकले घर से मुशाइत हुसैन तवज्जो फरमाई मुशाइत हुसैन इमाम जिस राह में निकले हैं उस राह पे निकलना तशै्यो है हुसैन के लिए मुशाइत हुसैन है यानी जिस राह पे हुसैन निकले हैं जिस मकसद के लिए इमाम हुसैन निकले हैं उस मकसद के लिए घर से निकल जाना ये मुशाइत है हुसैन इबन अली की ये है मुशाइत हुसैन इबन अली इमाम हुसैन किस मकसद के लिए जा रहे हैं यजीदियत के खिलाफ मुजाहिमत के लिए जा रहे हैं बस शिया हुसैन बनने के लिए कोई बड़ी पेचीदगी की जरूरत नहीं है सीधा सा बात सीधा सा काम है यजीद के खिलाफ आवाज उठाना यजीदियत के खिलाफ आवाज उठाना तुयान के खिलाफ आवाज़ उठाना तागुतियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना उसका इनकार करना ये तशै्यो है हुसैन के लिए ये मुशाहत हुसैन इबन इब्नली है लेकिन जब आप निकलते हैं आपको मुख्तलिफ़ ग्रोहों से सामना करना पड़ता है खैर खाों से हमदर्दों से बुज़ुर्गान से बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है आपको वो आकर आपको अपने अपने दलाइल से काने करते हैं कोई आंसू बहाकर कोई गले लगा के कोई गुजश्ता की यादें याद दिलाकर कोई आपका मकाम व मरतबा गिनवा कर कोई आपके बगैर सूरत हाल का नक्शा खेंच कर आप चले जाएंगे हमारा क्या बनेगा आप चले जाएंगे कौम का क्या बनेगा आप चले जाएंगे आपके खानदान का क्या बनेगा आप चले जाएंगे फलां का क्या बनेगा इंसान जब इतने दलाइल सुनता है तो कोई ना कोई बात असर कर जाती है इरादा तोड़ देता है नजरसानी करता है आजम टूट जाता है मुशाइत हुसैन इबन अली ये है कि जब आपने आगाज किया है इरादा कर लिया है तो फिर बहुत सारे बुजुर्गान आएंगे जयत शख्सियात आएंगी मुआजज महजब इंसान आएंगे और वो दिल की खैर खाही से आपको रोकने की कोशिश करेंगे मुमकिन है आपका भाई आ जाए मोहम्मद इब्ने हनफिया आ जाए रोए रोकने की कोशिश करें आप भैया हैं हमारे क्या कहेंगे उस वक्त जब भाईजान आ जाए आगे शिया हुसैन क्या करेगा इमामी हुसैन अल्लाम ने ये मक्का में कयाम करके अपने शिया के लिए रास्ता खोल दिया सिरात बना दिया कि मेरी मुशाययत करनी है तो भैया से गुजर के आना पड़ेगा मेरी मुशाययत करनी है तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसी जयत शख्सियात के मशवरे से गुजर के आना पड़ेगा मेरी मुशाययत करनी है अगर तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर की तदबीर से गुजर के आना पड़ेगा मेरी मुशायत अगर करनी है तो अब्दुल्लाबन उमर के तमाम कोशिशों से गुजर के आना पड़ेगा आपको मेरे साथ इकबाल जो फरमाते हैं कि मैंने कुरआन की रमज हुसैन अब अली से सीखी है इकबाल क्या कह रहे हैं हमें क्या कह है? रहे हैं इकबाल भी फरमा रहे हैं कि मेरे पीछे ना आना मेरी राह पे ना आना मना कर रहे हैं रोक रहे हैं मेरे साथ ना आना मेरे पीछे ना आना खूब शायरी और बहुत सारे शायरों ने की है उनकी शायरी गा लेना उनकी कवालियां सुन लेना उनकी गजलें पढ़ लेना मेरे नजदीक ना आना मेरे पीछे ना आना क्यों ना आना इसलिए कि मेरा रास्ता मेरा मसलक इस काबिल नहीं है कि तू तय कर सके मेरे साथ दो कदम भी नहीं चल सकता तीघो सनाओ खंजर ओ शमशी आरजुस्त मेरी आरजू मेरी तमन्ना मेरी ख्वाहिश क्या है तलवार तेगो सना नेजा तेगो सनाओ खंजरोमशी रमा आरजुस्त ये खंजर मेरी आरजू है बामन मै मेरे साथ मत आ मेरी राह पर मत आ मेरी फिक्र पे ना आ मन मया के मसल के शब्बीर मारजोस्त मेरा मसलक मेरा मजहब मेरा दीन शब्बीर का दीन है मैं मसल के शब्बीर का पैरोकार हूं आप बहुत अच्छा काम करते हैं मैं वाक देखता हूं कि चालाक तरीन लोग हम लोग हैं हम जो अपने आप को शिया कहते हैं बहुत चालाक हैं सस्ता तरीन काम ढूंढा हुआ है आसान तरीन रास्ता चुना हुआ है और आली तरीन अजर की तो लगा कर बैठे हुए हैं हम दस दिन सईदा के लिए आए फ़कत आके रस्म व रसूमात अंजाम दे के फिर विदा करके इमाम हुसैन को चले जाएँ जन्नत भी हमारी जन्नत की नेमतें भी हमारी और जन्नत ऐसे हमारी है कि किसी और के अंदर आने की गुंजाइश ही नहीं है हमने इस तरह जन्नत पर कब्ज़े का इरादा किया हुआ है ये मुख्तसर से अमल के साथ ये बहुत चालाकी है इंसान आसान सा काम सस्ता सा काम करके अलामा इकबाल फरमाते हैं तो मुश्किल रास्ता है तू जिसको आसान समझते हैं ये तो बहुत मुश्किल रास्ता है, है, तो है। हुसैन को इमाम मानना तो सबसे मुश्किल काम है शब्बीर को इमाम मानना तो सबसे मुश्किल काम है बामन मया के मसल के शब्बी आओ मसल के शब्बीर के ऊपर अगर आना चाहते हो मुशाहत करना चाहते हो हुसैन अबन अली की तो कदम कदम पे देखो क्या हो रहा है और क्या करना है तुम्हें हुसैन हुसैनबन अली फकत ये नहीं है कि वो तस्करा सुन के और शोक का इजहार करके फिर हम अपनी मनहज और अपनी राह पर चल पड़े हिमायत हुसैन की करके अहराम बंद के अपने काम में लग जाए मुशायत यह है जो इमाम कर रहे हैं वो हम भी करें यह उनके लिए मंशूर है ये तफसील और ये जुजियात